तो गाइज अगर आप लोग को सबसे आसान तरीका अगर YouTube पे वीडियो मिलेगा फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, तो ये लास्ट वीडियो सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को सिखाया हूँ फोटो एडिटिंग। आप लोग का एक ही कमेंट रहता है ना यार आर्टिस्ट भाई, कोई यूट्यूबर लोग हमें सबसे आसान तरीका में फोटो एडिटिंग सिखाने का कोशिश नहीं करते, लेकिन आर्टिस्ट भाई आज के वीडियो सबसे आसान तरीका सिखाया, तो वीडियो बनाने फोटा कीजिएगा। एंड इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग का भी फोटो एडिटिंग चेंज हो जाएगा। तो चले जान मेरे तरीके वीडियो को स्टार्ट कर ले। सो जान आज आप लोग को मैं नया फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, ऐसा एडिटिंग मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आर्डिक्स भाई है, ठीक है ना मेरे जान। एंड ऐसा ट्यूटोरियल यूट्यूब पे पहली बार मेरे चैनल पे जा रहा है, तो वीडियो को लाइक नहीं फटाफट लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी से चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे जान यहाँ पे बहुत सारा फोटो है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लेंगे। कहाँ है पता, स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों शेयर करने बाद सिंपली आप लोगों को देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले पेंसिल आइकन पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एक कर्व्स, ठीक है। कर्व्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड सिंपली कुछ इस तरीके से इस वाले ऑप्शन पे आ करके ग्रीन टोन पे क्लिक करके इसको आप लोग को नीचे करना होगा, ठीक है। नीचे करने के बाद ये वाला पार्ट, ठीक है ना जी, इतना करना सिंपली है। आप लोग को डन करके ऊपर देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान, उस पर आप लोग आ जाएगा, वीडियोज पे आ जाएगा। एंड सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्रश वाला आइकन, एंड सिर्फ आप लोगों को क्या करना है बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है ना जी। जैसे मैं बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग को करना होगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट नहीं करूँगा, जो भी एडिटिंग सिखाता हूँ मेरी जान बिल्कुल रियल तरीके से सिखाता हूँ, एंड कहीं पर भी फेक आप लोग को बताने नहीं जाता हूँ ना तो बताता हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो कहीं पे भी आप लोग को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आप लोग को एक हाई लेवल का बहुत ज़्यादा एडिटिंग आ जाएगा। तो जान हर यूट्यूबर क्या करते पता, आप लोग को वीडियो में ना बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, ठीक है ना जान, और रियल एडिटिंग सिखाते नहीं हैं, झूठा झूठा वादा देते हैं भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लो और आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन आर्टिस्ट भाई ना मेरी जान सपोर्ट टू सपोर्ट है, मैं आप लोग को सब्सक्राइबर नहीं बड़ा भाई भगवान बड़ा मानते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फटाफट कि मैं कितने अच्छे तरीके से कर दिया बहुत ही कम टाइम में। इतना करना सिंपली है, आप लोग को डन करके बैक आ जाना है बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा, एंड सिंपली आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे एक एच डी आर स्केप पे क्लिक करके इसको आप लोग को 0, ठीक है। एंड सेचुरेशन को हल्का सा नहीं, यहाँ पे ब्राइटनेस को 48+, सेचुरेशन को भी हल्का सा यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे सॉरी जान, तो 58+ करके यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। एंड डन करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा, हीलिंग पे क्लिक कर देना होगा। जो भी आप लोग के फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक दाग धब्बा रहता है, उसको सबसे पहले हम लोग रिमूव कर लेते हैं। एंड इतना करने में सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। सो दोस्तों डन करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा, सिलेक्टिव पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से आप लोग हल्का सा फेस को ब्राइट करिएगा, ठीक है ना जी। यहाँ से ब्राइटनेस को अप्लाई कर लेते हैं हल्का हल्का सा, तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरे जान बिल्कुल रियल एडिटिंग सिखा रहे हैं। एक बार दिखा देते हैं आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फेस को फोकस कीजिएगा बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करने में सिंपली इस फोटो को पता है कहाँ पे शेयर करना है, लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर नहीं, ना तो इस फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर, ऑटोडेस्क फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को हम लोग को शेयर करना है पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो सिंपली आप देख लीजिए लोडिंग ले रहा है, ओके। तो वीडियो को लाइक नहीं करना लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फटाफट यहाँ पे सारा एप्लीकेशन शो हो जाता है, लाइट रूम है, ऑटोडेस्क है, तो हम लोग पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग शेयर कर चुके हैं पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फोटो को, एंड शेयर करने में सिंपली अब आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा, एडजस्ट पे क्लिक कर देना होगा, एंड इसका अमाउंट, ठीक है ना जी, अमाउंट को मैक्सिमम आप लोग को 7+ व्यू, ठीक है, व्यू को हल्का सा आप लोग को यहाँ पे मैक्सिमम 9+, सेचुरेशन पे आ जाएंगे, सेचुरेशन को हल्का सा माइनस, एंड प्लस में करेंगे तो आप लोग का फेस देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हल्का सा माइनस में कर देते हैं, तो 4-, सिंपली क्लियरिटी वाले ऑप्शन पे आ करके, एंड क्लियरिटी को आप लोग को 0 रखना है, कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना होगा 31+ करके, यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। सो दोस्तों डन करना फिर से अब आप लोगों को क्या करना होगा, इस फोटो को सेव करके, ठीक है, और डायरेक्ट आप लोग शेयर कर लीजिएगा लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जाने मन हम लोग लेकर के आ चुके हैं लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों यहाँ से आप लोग का अच्छे से फोकस करना है फोटो पे, ठीक है, एंड वीडियो पे। सिंपली आप लोग कलर ऑप्शन पे आ करके सबसे पहले मिक्स पे येलो टोन को 0 कर देंगे, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन पे आ करके एंड इसका सेचुरेशन एंड लिमिनस आप लोग अपने फोटो के हिसाब से, एंड इसका ह्यू, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना कम टाइम में मैं आप लोग को एक गजब का लुक डाल दिया फोटो के अंदर बिफोर एंड आफ्टर। एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करना सिंपली फोटो को शेयर कर लेना होगा पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर।
तो यहाँ से मैं फटाफट शेयर कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे देख लीजिए शेयर हो गया। एंड वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, रियल एडिटिंग सिखा रहा है, ठीक है ना जी। सिंपली यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन होगा, ओके इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे, कलराइज पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड को बहुत सारा कलर में आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फेस ना स्मूथ हुआ नहीं है फुल एचडी, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, टूल्स वाला आइकन, इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड इसको आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आ जाना होगा, इरेजर पे क्लिक करके इरेजर पे क्लिक कर देंगे फिर से। एंड जो भी आप लोग का बैकग्राउंड ब्लर हुआ होगा, ओके जान, सिंपली उसको इरेज करके रजिस्टर पे क्लिक करके फोटो को जूम करके उसके बाद आप लोग अपने फेस के ऊपर ब्लर को अप्लाई करेंगे, यानी स्मूथ ब्रश को अप्लाई करेंगे, तो आप लोग का फेस जो मैं थंबनेल में दिखाया था सेम उसी तरीके से स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा मैं वीडियो में आप लोगों का टाइम भी नहीं लिया एंड बिल्कुल मैं रियल आप लोगों को एडिटिंग सिखा दिया। आशा करते हैं मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग करके से वीडियो डालूं तो आप लोग नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो आज करने के लिए थैंक यू सो मच मेरी जान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। एंड फेस स्मूथ फुल एचडी हाई क्वालिटी सीखना होगा ऑटोडेस्क से। तो जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा, चार वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो जैसे खत्म हो जाएगा चालू हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे, तो ऑटोडेस्क से फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड जय हो सिद्ध बाबा।